गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपनी फ्रेंड की शादी में आए हैं, मेरे यार की शादी है और अभी सब हमारे क्यूटी क्यूटी फेस आपके सामने। वैसे सभी लोग नहीं है, बस दो ही लोग हैं। आज रस्म होने वाली है, कुछ अलग रस्म है, यहाँ का अलग ही होता है। तो कौन सी रस्म होगी आज? आज टिप, जो टिप देते बोलते ना, मतलब टिप देंगे, टिप देंगे और गुड़ बोलते हैं, गुड़ बोलते हैं रसम को। तो इसमें गुड़ आता है खाने का, अच्छा, तो उसको गुड़ रसम में भी उसको बोल देते हैं। वही मेन है, मतलब शादी का पहले का गुड़ लाते हैं लड़के लोग, लड़के की साइड से। और मतलब मिठाई के जैसे मीठे कुछ मुँह मीठा करते ना, तो मुँह मीठे की जगह वो गुड़। तो बेसिकली आज ये होने वाला है कि लड़के वाले जो है वो आज आएंगे इधर, लड़की वालों के यहाँ आते हैं और वो गहने और कपड़े वगैरह लेके आते हैं और मीठा लेके आते हैं, मीठे में गुड़ लेके आते हैं। और सब लोग आज गुड़ खाएंगे, तो आज हम लोग गुड़ खाएंगे और भी मीठे हो जाएंगे। और अभी फिलहाल आपको ढोलक की आवाज आ रही होगी, तो नीचे ढोलक बज रहा है और अभी सब लोग डांस वगैरह करने जा रहे हैं। तो ये देखो, ये मुस्कान, एकदम मुस्कान की जैसे मुस्कान कर रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो आप। और आप रेडी हो गए? बाकी सब रेडी हो गए? चलो आ जाओ फिर। बाकी के लोग इधर हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, तैयार हो गए? चलो अभी एक्चुअली में क्या है, सभी लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। और फॉलो करिए यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करें। मम्मी जी रेडी हो गए? हम लोग भी रेडी हो गए आपके दिए हुए टाइम पे। देखिए 12:15 हो रहे, हम लोग रेडी हो गए। एक घंटा लगेगा रेडी होने में, नहीं लगेगा बट मेहमान आने में लगेगा टाइम। ढोलक बज रहा है, डांस करना है, करना आप तो करेंगे ही, करेंगे ना। चलिए। और इधर है बड़ी मम्मी। एक्चुअली में हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ी मम्मी, ये मेरी बड़ी बहन है। हाँ, ये मम्मी जी की बड़ी सिस्टर है, तो बड़ी मम्मी बोला जा रहा है यहाँ पे। और मौसी भी बोलते हैं हमारे यहाँ, बड़ी मम्मी उनको बोलते हैं जो पापा के बड़े भाई होते हैं, उनकी वाइफ को बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो मासी भी बड़ी मम्मी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। वैसे एक ही फ्रेम में मम्मी मम्मी साथ में, क्या बात है। बाकी चले नीचे, हो गया, चलो आज हमारी गुड़िया का टीप आएगा, हमारी बेटिया का गुड़ आएगा। तो यहाँ पे ये जो गुड़ वाली रस्म है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और गणेश पूजन तो होता है, पूजा उजा होती है, बाकी आज पहले के थोड़े से पहले मतलब कल जो सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है ना, वो हो गई है। बट लड़की को जो बाना बिठाते हैं रस्म, मतलब दुल्हन बनती है, वो रस्म अभी शाम को बाकी है। अच्छा, तो अभी तो बहुत सारी चीजें हमको खुद ही नहीं समझ में आ रही है, मम्मी जी लोग बता रहे हैं। हाँ, तो हम आपको भी दिखाते जाएंगे। हम तो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। इसी बात पे लाइक कर दो। आ जाओ। तो ये देखो, हमारी दुल्हन भी तैयार हो गई है। दिव्या, ये बताओ आज जो रसम होने वाली, आज जो फंक्शन है, उसमें आपका क्या रोल रहेगा? सरदार वाले हैं ना, अच्छा, मतलब कि आज आपके जो ससुराल वाले आएंगे, कपड़े वगैरह लेके आएंगे, तो वो आपको ही देंगे? हाँ, वो मतलब जो ड्रेस रहेगी, चार दिन की जो ड्रेस रहती, वो लड़की को देते हैं, तो वो लड़की मतलब चार दिन तक वही ड्रेस। ओके, जो शादी के फंक्शन होंगे उसके लिए ड्रेस आएंगी, तो वो आपको लेना है, फिर वही ड्रेस पहनी, यहाँ के कपड़े नहीं पहने। मतलब बाना बैठना, मतलब की दुल्हन बनने की कोशिश चालू रहती है, मतलब बाना बैठना। ओके, ड्रेस पहन के मैं बाना, और मतलब नए कपड़े हम एक्सचेंज करेंगे। ओके ओके, कृपया ध्यान दें, सभी लोगों को नीचे बुलाया जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? इधर माइनक्राफ्ट चल रहा है, और माइनक्राफ्ट खेल के आपको बता देना, हम आपके साथ खेलेंगे। अच्छा, ये देखो यहाँ पे, यहाँ का ट्रेडिशनल डांस कह सकते हैं। उधर ढोलक बज रहा है, सभी लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग इधर है, मम्मी जी लोग, बाकी लोग इधर है। Thank you.
हमने भी यहाँ पे डांस किया, पता नहीं हमारा स्टेप मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने भी किया। लड़के वाले आ रहे हैं, जो आ रहे हैं क्या इनके ऊपर भी डाल दो, दूल्हा भी आएगा, ये आ रहे लड़के वाले, लेकिन दूल्हा नहीं आ रहा है। दूल्हा जो है उसको हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से जानती है, पहचानती है, बट इसमें दूल्हा नहीं है अभी, वो शादी में मिलेगा। अरे वो भाई यार, जी हमारे दुल्हन को आपने देखा ही होगा, कौन आ रहा चक्रा पहन के। दूल्हे वालों का स्वागत हो रहा है, लड़के वालों का, इधर लड़की वाले हैं और इधर लड़के वाले हैं, इनका यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है, खूब सारे फूल बरसा के। अब हो गया अब वहाँ से नाश्ते जाएंगे। लेकिन भैया ने डांस नहीं किया है ना, भैया है ना विदाई में रोके बताएगी। अच्छा रोके बताए, अरे अभी नहीं गई, अभी नहीं बहुत चलेंगे, मेरे को पेट पे खुजाल के कौन देगा। अभी नहीं गई, अभी नहीं गई, अभी मत रो। खूब अच्छा डांस किया आप लोगों ने, अच्छा नाचा ढोलक पे, अरे है आपने सबसे अच्छा किया, आपने भी। अरे थैंक यू, ओह हो आप तो क्वीन है। अरे आपने तो और भी अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। ये मेरी बड़ी मौसी है, ये मेरी बड़ी मम्मी, हम मिलवा चुके हैं बड़ी मम्मी से। तो अभी दिव्या के ससुराल वाले सब लोग आ गए हैं और सभी बाहर बैठे हुए हैं, और अब जो बाना देंगे या फिर जो गुड़ की रस्म होती है वो सब करने के लिए दिव्या को अंदर से बाहर ले जाया जाएगा, सभी लोग बाहर बैठे हुए। और ये जो इतने सारे यहाँ बदमाश बंदर है ना, ये भाभी जी मुस्कान ले जा रहे हैं हम। क्या हो गया दुल्हन क्यों रो रही है? अरे मत रो हम दूल्हे के यहाँ भी हम आ जाएंगे। अरे कहाँ फंस गया ना, थोड़ा शर्मा के थोड़ा मटक मटक के। डर वर तो नहीं लग रहा अब, कोई नहीं डर लग रहा, ये मॉडर्न दुल्हन है इसलिए डर नहीं लग रहा। क्योंकि भाई कल रात में हम लोग बहुत लेट में सोए थे, हमको थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है अभी, लेकिन सबका एक्साइटमेंट लेवल देख के ना हमारी नींद जा रही है, पहले एंजॉय करते और नींद तो फिर रात में पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप मिस्टर बरवानी की शादी में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो देख लो हमको आए, एक दिन हो गया, हम कल ही आए हैं और मिसेज बरवानी के साथ में खड़े हुए हैं।
अभी जो रस्म होने वाली है उसके लिए दुल्हन बाहर आ गई, यहाँ पे बैठी हुई है, और इधर ससुराल वाले लोग हैं, इधर मायके वाले लोग हैं, और मामा जी अपना वीडियो बना रहे हैं, बाकी इधर लोग बैठे हुए हैं। तो अभी रसम वगैरह हो गई है, और जो बोलते हैं गुड़ की रसम, तो ये मीठा हमको भी मिल गया है। और दूसरी चीज जो बोल रहे थे कि टीप देने आएंगे, तो वो हमको समझ में आया कि जो कपड़े वगैरह देते प्लस इनके यहाँ होता है कि 8 दिन पहले टीप निकलवाते हैं। टीप मतलब ये होता है कि उसमें जो शादी की डेट होती है वो तो 2 महीने पहले से भी फिक्स हो जाती है, लेकिन शादी का जो टाइम होता है मतलब शुभ मुहूर्त होता है वो 8 दिन पहले निकलता है, और वो निकलवा के फिर वो देने आते हैं, उसको टीप बोलते हैं। तो वो चीज गुड़ भी बोलते हैं, और ये जो गुड़ भी बोलते हैं, तो वो मीठा हमको मिल गया है, ये गुड़ वाला चॉकलेट जो मुझे तो बहुत सारे मिल गए। आज से जो है शादी वो स्टार्ट हो गई है, तो शादी की जो भी और भी रस्में हैं वो आज तो हो ही गई है, कल परसों जो भी है मेहंदी संगीत और भी चीजें हैं, तो वो सारी होंगी। फिलहाल हम भी मुंह मीठा करते हैं, आपको भी मुंह मीठा करना है तो आ जाइए, देखिए सब चॉकलेट खा रहे हैं। दिन थक के अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, और एकदम एनर्जी लूज हो गई थी, अब खाना खाएंगे थोड़ा तो फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे, अभी जुबान भी लड़खड़ाने लग गई। तो हम आपको दिखाते हैं कि आज खाने में क्या है। तो आज का हमारा खाना ये है, पहले तो हम एक बार खा चुके हैं दाल बाटी, लेकिन आज फिर से खा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमने खाना खा लिया है, और आज हमने खाया है यहाँ का फेमस दाल बाटी, और लड्डू था, पापड़ था, बहुत सारी चीजें थी यहाँ ना खा के, अभी फुल एनर्जेटिक हो गए। लेकिन हमारा ये वाला व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको हम करते हैं यहीं पे खत्म। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, आप लोग तो कर ही दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।